दिल्ली के पीतमपुरा स्थित श्री धार्मिक केशव रामलीला कमेटी में एक अनूठा यज्ञ किया गया। खास बात यह रही कि यह यज्ञ पर्यावरण प्रदूषण के लिए 51 कन्याओं द्वारा किया गया। इस यज्ञ में नूतन हर्षवर्धन, प्रतिभा जाजू, नैना सहस्त्रबुद्धे, शोभा विजेंद्र समेत बड़ी संख्या में बेटियां और महिलाएं अपने अपने परिवार के साथ शामिल हुए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा के अनुसार यज्ञ हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। यह ईश्वर की उपासना का सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक, पवित्र और श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्यावरण शुद्धि अभियान को देखते हुए यह यज्ञ करवाया गया। यज्ञ को संयोजक एवं पूर्व निगम पार्षद ममता नागपाल ने बताया कि यज्ञ की हवन सामग्री ऐसे जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पति से तैयार की गई है जो शरद ऋतु में पर्यावरण शुद्धि का काम करती है। मैं मजे करने के लिए आई हूँ। मजे करने के लिए आये हो? मजे के साथ साथ यहाँ पे कुछ देखने भी आये हो? यहाँ पे मैं रामलीला देखने आई हूँ। रामलीला देखने आये हो? राम जी कौन थे? राम जी कौन है? कौन है मतलब है थे और है वो? राम जी कौन है? राम जी। हाँ जी, भगवान है हमारे। आपके भगवान है वो? अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बेटर फील हो रहा है। बेटर फील हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप पूरा यहाँ पे? हाँ। देखिए यहाँ पे जो बच्चों का टैलेंट, हालांकि मैं तो एज ए जज और एज ए जूरी मेंबर जाता रहता हूँ, कभी कहीं मैं बुलाते रहते, इवेंट होता रहता है। तो आज जो है पंकज जैसवानी जी ने बुलाया हुआ था स्पेशल, मुझे कई दिन पहले बोल दिया था कि अमित जी आपने यहाँ पे आना, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आओ हुनर दिखाओ। बहुत अच्छा टैलेंट है, बच्चों को बुलाते हैं और टैलेंट। बच्चों की इंस्पिरेशन को आप बढ़ाने के लिए क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे? एक बार बताइए। भाई मैं कहता हूँ जो बच्चों के अंदर है इनको एक प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए, और प्लेटफॉर्म सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे बच्चों, जो मिसगाइड किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको काम नहीं दिया जाता है, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है।